केला एक ऐसा फसल है जिसकी बाजार में हर समय बहुत मांग रहती है। यही वजह है कि केले की खेती आजकल काफ़ी फायदेमंद हो गई है। वहीं मऊ जिले के बैरागपुर गांव के रहने वाले किसान देवेंद्र राय भी केला की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि केले की खेती क्यों शुरू की और फिर उनका अनुभव कैसा रहा, केले की खेती से वो कितना कमा लेते हैं, देवेंद्र ने बताया कि वो अभी पहले पारंपरिक तौर पर धान और गेहूं की खेती करते थे, मगर इससे उन्हें कोई खासा मुनाफा नहीं हो रहा था। पहले हम लोग जो हम लोगों की पारंपरिक खेती है धान गेहूं, यही करते थे। फिर कैसे मतलब माइंड में केला खेती करें? और लोग केला अलग अलग जगहों पर लोग लगाए थे, तो उससे हम लोग जाके उसको समझे कि भाई धान गेहूं से तो काम चलने वाला है नहीं, तो सोचे हम लोग जाके देखे तो लगा कि भाई प्रयोग करने में क्या लग रहा है। तो पहली बार प्रयोग किए 2019 में, तो हमें प्रॉफिटेबल लगा। इसके बाद हम लगातार अपना इसको लगाते रहे। कितने से शुरुआत किए थे केले की खेती? केले की खेती हम 1.5 बीघे शुरुआत किए थे। अभी कितना है? अभी आज के डेट में 3 बीघा, 3 बीघा 4 बीघा यही लगाते हैं हर साल, इससे ज्यादा नहीं लगाते। इसको लगाने के लिए कैसे क्या मिट्टी तैयार करना पड़ता है, क्या क्या लगता है? मिट्टी तैयार करने के लिए जैसे सूखा खेत है तो उसको गर्मी में जुताई करा देते हैं, इसके बाद 5-6 जुताई 7 जुताई होती है, जितनी जुताई में कि मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए और लगाने लायक हो जाए धूर की तरह से। और इसके बाद हम लोग लाइन बना के पौधा लगाते हैं। उसमें पौधा लगाते समय उसमें कीटनाशक डालते हैं कि जड़ में कोई कीड़ा ना लगे, इससे पौधा मरे ना। बार बार और हर महीने इसकी देखभाल करते हैं, दवा समय समय पर छिड़काव करते हैं, पाले से बचाव करते हैं, लू से बचाव करते हैं, पानी उनी समय समय से चलाते रहते हैं ताकि नुकसान ना हो। कितने कौन सी वैरायटी है ये? यह है G9। जी, क्या खासियत है इसकी, कितनी वजन होती है, क्या होती है खासियत इसकी? अगर सही हो जाए तो मान के चलिए एवरेज तो 26-27 kg होता है प्रति पौधा, मतलब फल। लेकिन जनरली एक एक क्रॉप तो लगभग 40 किलो 45 किलो तक हो जाता है कभी कोई कोई, लेकिन वो जनरली नहीं, जनरली हम लोगों का 27-28 kg तक जाता है। अच्छा, 3 लाख रुपये। और कितना निकल जाता है वाला घूमना था? जस्ट डबल हो जाता है आराम से। आराम से डबल हो जाता है। कितने दिन की फसल है ये? पूरे 1.5 साल की फसल है। 1.5 साल में? हाँ, पौधे लगाने से लेके क्रॉप फाइनल कटिंग तक एक ही क्रॉप होता है। अच्छा, फाइनल क्रॉप कटिंग तक 1.5 साल हो जाता है। अच्छा, तो कैसे इसको मार्केट में भेजते हैं? मार्केट में ग्राहक आते हैं हम लोग पास। अच्छा, उन लोगों से बात हो जाती है, इसके बाद कटिंग करवा के भेज दिया जाता है। आसानी से बिक जाता है? हाँ, आसानी से बिक जाता है, कोई कमी नहीं, बिकने में कोई प्रॉब्लम नहीं।